आधा घंटा थोड़ा सेल्फ टाइम होगा जिसमें गॉट माय आईडी सर्च करना तो बोला यहाँ मेरे लंच everyone, good morning. Hope you all are doing great, safe and sound at your hometown. If you are new here, I am Mansi and हम आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं. एंड आज काफी ज्यादा लेट हो चुका है सुबह सुबह उठ के हमको वॉक पे आने का. एक्चुअली में ना मॉर्निंग वॉक करना हमको आदत लगाने का था, तो सोचे कि नहीं आज भी जाएंगे. लेट से उठे लेकिन फिर भी जाएंगे. अपने ब्रेकफास्ट और लंच का भी प्लानिंग कर लेते हैं. वैसे ना आज फ्राइडे है, यानी कि आज के बाद दो दिन का वीकेंड मिलने वाला है. तो जितना भी सारा चीज मतलब होता है ना करने का रहता है, पूरे पांच दिन का काम करने के बाद कुछ कुछ चीजें बाकी रह जाता है, तो वो सारा कुछ हम कल से कंप्लीट करेंगे. खैर वो तो कल देखेंगे, फिलहाल चलिए साथ मिलके हम लोग फ्राइडे की शुरुआत करते हैं, साथ अपना कॉलेज लाइफ शेयर करते हैं. जले हुए माचिस पे हाथ रखते बताइए जल गए हाथ. खैर चलिए दूध को भी हम लोग गर्म कर ही लेते हैं. वीडियो के चक्कर में नुकसान तो हो जाता है कभी कभी मेरा. चलो कोई ना, सोचे अपने लंच के बाद मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं. यहाँ का नूडल हम उसी दिन लेके आए थे, तो ऐसे ही बनाते हैं. यहाँ मेरा लंच भी बन चुका है, ब्रेकफास्ट भी बन चुका है. अब हम आते हैं नहा के, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे और इधर सत्तू निकाल के रखे, सत्तू घोलेंगे. पूजा करने के बाद अभी हम टीका भी नहीं लगाएंगे, टीका लगाएंगे बाकी. अभी हम सोचे कि पहले इतने चाय को एंजॉय करते उसके बाद तैयार होंगे. 9 बज चुका है, अभी आधा घंटा थोड़ा सेल्फ टाइम होगा जिसमें अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे, अपने पूरे दिन को प्लान करेंगे. ऐसे ही करते हैं, या तो हम रात में कर लेते हैं या तो हम सुबह के टाइम में जरा सा भी समय बचा रहता है उस टाइम कर लेते हैं, या जिस टाइम सो के उठते उस टाइम कर लेते हैं. प्लानिंग करके रखोगे ना तो आपका सारा काम एकदम अच्छे से होगा. मेरे साथ तो होता है क्योंकि हम प्लानिंग करके स्टार्टिंग से मेरा ना अब आदत हो चुका है कि अपने पूरे दिन को प्लान करेंगे कि ऐसे ऐसे हमको ये करना है, और जिस दिन नहीं करते उसने इतना अनप्रोडक्टिव हो जाता है कि क्या बताए. लोग कभी ऐसा ऑमलेट खाए हो, देख रहे हो अंडा को हम बॉईल किए थे और इतना ये कच्चा रह गया कि हम सोचे इसको पैन में डाल देते हैं, और छिलका तक सही से नहीं छिलाया, छिलका भी इसके बाद ही छिल रहे हैं, तो छिलका समेत आ रहा है, मतलब छिलका में अंडा के साथ ही आ रहा है. मेरे को पता है भाई पांच पांच सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ चार है और पांचवें सब्जेक्ट का मेरा कॉपी है. चलो यार आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, वैसे फिर भी 20 मिनट है, लेकिन होता है ना नॉर्मल दिन के कंपेयर आज थोड़ा सा लेट हो गया. सत्तू पीने के बाद ना पूरा गला छिला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हेल्दी ऑप्शन और कुछ समझ में नहीं आया. गुड मॉर्निंग, हम कॉलेज आए तो नहीं थे ये नोज पिन पहन के, लेकिन इसको देखने के बाद हम भी पहन लिए, देखो हम दोनों सेम सेम हो गए. चलिए अभी हमारे स्टैटिक्स का क्लासेस है. स्टैटिक्स के क्लास में देखते हो कोई बच्चा अपने जगह पे, इवन हम भी अपने जगह पे इधर से उधर बौख रहे, फिर भी गलत निकला आंसर, बस इतना दूर गलत है. अभी पता चला ये मेरे से काहे नहीं बढ़ा था, क्वेश्चन ही गलत है सर बोले बाद. आज इस भीड़ को देखने लग रहा है कि कैंटीन में जगह मिलने वाला है. इतने बड़े कैंटीन में एक टेबल एक चेयर मिला था वो भी छोड़ के जा रहे हैं. हमें पता है कैंटीन में एक पर्सन मतलब चीड़ी चलने का जगह नहीं था. सबके सब देखते हो लंच सबका यही आ गया, सब अपना लंच आज यही करने वाले क्लासरूम में. हम देखे थे ये पांडा, पता है तुम्हारे तरह है पांडा. हम जब ले रहे थे ये वाला नहीं, वो वाला जो हम लिए थे फ्लावर वाला तभी देखे थे. ए मामू भुजिया ना, मामू भुजिया, मामू भुजिया, देखो गाइस सबको मामू भुजिया मिला, मामू भुजिया. मिल गया गाइस, आना भूल गए. गाइस दिल दिल मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, लो अब खा जाओ. भाई सेक्शन बी का पता है आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया. हम लोग सोच रहे कि हम लोग क्या देंगे, कैसे देंगे, कैसे एग्जाम होगा, कैसे पेपर होगा. सब लोग कितना जन है, सब थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करके हमको सेम कवर मिला था. इसके कवर में देखो ना काली मंगाई और इसके कवर में येलो दाग लग गया था, पता नहीं चल रहा लेकिन हाँ चल रहा था. हेड का मसाज करवा रही है नैना, तर गाल का भी मसाज करना तो बोला कर देते हैं. कुछ ऐसे अंदर है इतना, और क्या दबाएंगे तो और ज्यादा. भाई इतना किस लिए तुम्हारा सेवा किया जा रहा है, ऐसा कौन सा अच्छा काम किया. अच्छा मिस प्रेसर जो है, अरे
ओहो। थोड़े देर पहले लंबे झगड़ा करने के बाद फाइनली दोनों का मिलन हो गया। क्लास चलते हैं सर। मेरे घर पे ना अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, बस वही दिखाने के लिए पापा वीडियो कॉल किए हुए थे। मेरा रूम भी एकदम चेंज होने वाला है, घर भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम जब यहाँ से जाएंगे ना दिवाली छठ पूजा में, तो आप लोगों को दिखाएंगे कितना चीज चेंज हुआ। और साथ ही मेरा एक सरप्राइज भी है, एक नन्ही सी परी आई है मेरे घर पे, उससे भी मिलवाएंगे आप लोगों से। कौन बोला ये आईडी कार्ड मिलेगा भाई? बेसब्री से इंतजार इस चीज का। गाइस पता है हम लोग कंटिन्यू 3 क्लास करने के बाद लंच ब्रेक हुआ हमारा, उसके बाद फिर से 1 क्लास हुआ, और अभी ना बहुत ज्यादा हम लोग को कंटिन्यू 1 घंटा लिखना है, यानी कि हम लोगों का अभी आईटी का क्लास है। हेलो, तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते। तानिया का भी सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। बोले तानिया सही हो ना अभी? सही हो ना अभी? मेरा मन भी कर रहा था उसी टाइम कॉफी पीने का, बट पिए नहीं। आओ क्या दवा बना कर लेकर आ रहे हो क्या? मौसम तो पूरा बारिश वाला हो गया। अरे हो भी रहा है बारिश जल्द। ये लाइट को यहाँ से बंद कर सकता है मेरे लिए, देखो तो कितना अच्छा था। जैसे गाइस फाइनली आई गॉट माय आइडेंटिटी कार्ड। इतने टाइम से कॉलेज में और आर्ट मिला जाता है, पूरे 1.5 मंथ के बाद ना अभी लग रहा था कॉलेज स्टूडेंट। अरे वाह, आईडी का बड़ा सूट कर रहा है तुम्हारा। कल से मेरे हेलो गाइस, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला तुमको? तानिया को तो नहीं। तानिया हाय गाइस, ऐसे कितना बढ़िया लग रहा है ना। मानसी ऐसे जगह में बैठी है जो तुमको नहीं दिखेगी। एकदम कम्फर्टेबल होके बैठो, अपना ही है घर, मन तो घर। इसलिए आई कार्ड का कलर भी चेंज हो गया। हाँ वही कर, इसका दिखाई देना ग्रीन ग्रीन कलर का था, ताकि गेट पे एकदम फोकस करेगी। नहीं ये हॉस्टल की लड़की, इसको बाहर नहीं जाना। हाथ पकड़ के दीदी बोलेगी तुम बाहर नहीं आ सकती। चलो भाई जी हम लोग चलते हैं घर की ओर, बारिश हो रहा है यार, कैसे कर जाएंगे। बारिश तो इतना ज्यादा स्पीड हो गया कि हम लोगों को आधे रास्ते में रुकना पड़ गया। खैर यहाँ रुक के हम पी रहे चाय। आवाज नहीं जा रहा था, बारिश इतना। पता नहीं बारिश कब तक छोटेगा। यहाँ हमारा खान पान चल रहा है, देख तो अच्छा है। केक लेके आए थे, दूसरा लंच मेरा। भाई इतना जोर का ठंडा लग रहा है ना, क्या बोले। देखो ना ये फ्राइडे वाले दिन इतना लंबा क्लासेस होता है, लाइक आज 5-5 क्लासेस था। एक क्लास लास्ट वाले क्लास के बीच में एक गैप था, जिसकी वजह से इतना टाइम हो गया, और ऊपर से बारिश हुआ तो इतना देर रुक गए। पर अभी मन कर रहा है कुछ गर्मा गर्म कुछ खाने का। तो अच्छा था केक लेके आते, भूख लग रहा था, तुम्हें खा लिए। ठंडे के मौसम में गर्मा गर्म सूप विद मोमो। मोमो एक्चुअली मैं खा लिए क्योंकि सूप भैया अभी भी है। इतना वो ना इतना भीड़ हो गया ना उनके पास, बोला बोला हो गया। बोले लाइए मोमो पहले खाते हैं फिर आप सूप लीजिएगा। चलो आलू प्याज का थोड़ा सा शॉपिंग कर लिए। लेने का तो और भी कुछ सामान था, बट अब सैटरडे है, कल निकलेंगे तब लेने। फिलहाल मतलब सब्जी में बस यही लिया, आलू प्याज और टमाटर बस। चलो मिलते हैं कल, बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। एकदम बारिश में भींग के आने के बाद नमन कर रहा था कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। वैसे तो पनीर बचा था, सोचे थे डिनर बना लेंगे पनीर का सब्जी वगैरह, लेकिन सब्जी वब्जी बनाने का वैसा मन नहीं था। तो हम पनीर कटलेट बोल रहे, क्या भाई पनीर का कटलेट का रेसिपी सर्च के, मतलब वो डाउनटाउन के पास एक आंटी रहती है, वहां ना चिकन कटलेट बेचती है, क्या मस्त कटवा होता है। पिछले 3 दिन से हम उनका ढूंढ रहे हैं, बट वो बैठ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों उनका दुकान ही खुल नहीं रहा है। तो हम सोचे ना कि चलो पनीर का कटलेट बनाते हैं। तो पनीर का कटलेट का रेसिपी जब सर्च किए ना, तो वहाँ पे उसमें ऐड था वो चावल काटा, बट चावल काटा मेरे पास है ना, और मम्मी से इस बार मंगाना भूल गए। कोई ना, आपके हम जाएंगे ना तो लेके आ जाएंगे। तो हम उसमें ऐड कर दिए सूजी। लेट्स सी हमारा पनीर का कटलेट कैसा बनता है। बाकी देख के तो टेस्टी टेस्टी लग रहा है, देखो क्रिस्पी क्रिस्पी भी लग रहा है। तो बाकी बनने के बाद ही पता चलेगा। कुछ हो गया है कुछ Thank you.
चेस्ट में ना बहुत गंदा वाला गैस अटक रहा है, तो मेरे पास ये वाला गैस का मेडिसिन है और साथ ही में ये क्या ये चोक हुआ था ना उस दिन हमको कमर में, शायद बताए थे, नहीं शायद नहीं बताए थे, कमर में हुआ तो बहुत गंदा वाला चोक, तो हम ये दोनों दवाई खा रहे हैं।